इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वैशाली पटेल। आई एम फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, अंजार, कच्छ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच लुकिंग अराउंड इन स्टैंडर्ड थर्ड। लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड लेसन, द प्लांट फेरी, दैट मीन्स प्लांट की परी। लेट्स रीड लेसन। Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. Neighborhood means पड़ोस में। पड़ोस में जो garden था उसमें हम सब last Sunday को गए थे। We played hide and seek and अंताक्षरी। Garden में हमने hide and seek, that means छुपा छुपी। आप लोग अक्सर garden में गए होंगे तो छुपा छुपी खेलते ही हो गए, उसी तरह हम सब ने भी उधर छुपा छुपी और अंताक्षरी खेला। We had a lot of fun. Fun means मज़ा आया, उधर हम सबको बहुत मज़ा आया। After some time, दीदी said, let us play a new game today. थोड़े टाइम के बाद दीदी ने बोला, चलो हम आज न्यू गेम खेलते हैं, नया गेम खेलते हैं। I will become a plant fairy. अब देखो दीदी ने सबको क्या बोला, आज हम अभी न्यू गेम खेलते हैं, उसमें मैं प्लांट फेरी बनूंगी। प्लांट फेरी मीन्स प्लांट की परी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग। देखो अब प्लांट फेरी क्या करेगी, तो प्लांट फेरी कोई भी चीज़ का नाम बोलेगी। एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। और ये सबको, आप सबको उसको जाके टच करना है। दैट मीन्स प्लांट फेरी जो भी चीज़ का नाम बोले वो चीज़ को आप सबको जाके टच करना है। द गेम बिगिन, गेम स्टार्ट हो गई। दीदी सेड, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। दीदी ने बोला, मैं प्लांट फेरी बनी हूँ तो अभी मैं प्लांट फेरी ऑर्डर दे रही हूँ कि आप जाके प्लांट को टच करो। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट। तुरंत ही सब चिल्ड्रन भागे और जाके सब प्लांट्स को टच करके आए। अभी देखो ये पिक्चर में दिखाई दिया है, अमू है, सबनम है, दयाराम है, माइकल है। तो देखो जैसे प्लांट फेरी ने प्लांट को टच करने के लिए बोला, तो अमू जाके मैरीगोल्ड प्लांट को टच करती है। सबनम क्या करती है, तो जास्मिन प्लांट पे जाके बैठ जाती है और उसको टच कर लेती है। दयाराम होता है वो क्या करता है, तो नीम का जो ट्रे है उसको पकड़ के, होल्ड मीन्स पकड़ के उधर खड़ा रह जाता है। और माइकल है वो मेहंदी बूस है, मेहंदी का जो प्लांट है उसको जाके टच करता है। आप ये सब पिक्चर में देख सकते हो। नेक्स्ट दीदी सेड, वेरी गुड। दीदी ने बोला, बहुत अच्छा। एवरीवन हैज टच ए प्लांट, सबने प्लांट को टच किया। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबने प्लांट को टच तो किया, किंतु सब लोगों ने ये नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि सब प्लांट एक दूसरे से काफ़ी अलग है, डिफरेंट है, मीन्स अलग है। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटल प्लांट, सेड सबनम। देखो सबनम क्या बोलता है, दीदी आप भी एक प्लांट पे ही बैठी हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। आप बता सकोगे कि दीदी कौन से प्लांट पर बैठी होगी। द गेम स्टार्टेड अगेन, गेम फिर से स्टार्ट हुई। द प्लांट फेरी नाउ सेड। अब देखो प्लांट फेरी ने फिर से ऑर्डर दिया, टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और थिन ट्रंक। देखो प्लांट फेरी ने क्या ऑर्डर दिया, कि आपको ऐसे ट्री को जाके टच करना है जिसका ट्रंक, ट्रंक मीन्स ट्री का जो मिडल पोर्शन होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक या तो थीक है मीन्स मोटा है, या तो थीन है। ऐसे ट्री को जाके आप सबको टच करना है। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री। अब देखो फिर से बच्चे भागे और जाके ट्रीज को टच किया जिसका ट्रंक थीक या तो थीन था। Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? देखो
इधर क्या बताया गया है कि आपने ऐसा ट्री देखा है जिसका ट्रंक थी मीन्स मोटा होता है। जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, दो पिक्चर दिया गया है। फर्स्ट पिक्चर में उसका ट्रंक है ट्री का, वो बहुत ठीक है मीन्स मोटा है। ऐसा आपने मोटा ट्रंक जिसके पेड़ का है वैसा कोई पेड़ देखा है? माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये गेम बहुत अच्छी लगी। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। वो सोचता है अरे ये जो फेरी ऑर्डर दे रही है वो कितनी लकी है। सी कूड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। वो सबको ऑर्डर दे सकती है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। अरे अब मे बी प्लांट फेरी बनूंगा। देखो ये अब माइकल को ये गेम में बहुत इंटरेस्ट हो जाता है। वो बोलता है कि ये जो प्लांट फेरी है वो कैसे सबको ऑर्डर देती है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मे बी अब प्लांट फेरी बनूंगा। द चिल्ड्रन लाफ अलाउड। अब बॉय फेरी। देखो चिल्ड्रन जोर जोर से हंसने लगते हैं, हंसने लगते हैं कि बॉय फेरी बनेगा, बॉय परी बनेगा। दे वेयर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। और सब मान भी जाते हैं और फिर बाद में माइकल को बनाने के लिए रेडी कर देते हैं और सब क्या करते हैं ऑर्डर, वो नए प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब देखो माइकल प्लांट फेरी बन गया है, अब वो ऑर्डर देने वाला है। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। अब देखो माइकल ने क्या ऑर्डर दिया, क्विकली मीन्स फास्ट जाके सब लोग पत्तियाँ, लीव्स मीन्स पत्तियाँ तोड़ के लाओ, पत्तियाँ लेके आओ, तोड़ के नहीं पत्तियाँ लेके आओ। बट रिमेंबर यू आर नॉट प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट। किंतु रिमेंबर मीन्स याद रहे कि आपको ये पत्तियाँ प्लांट में से प्लक मीन्स तोड़ के नहीं लानी है। सेड दीदी, ऐसा किसने बोला, दीदी ने। देखो माइकल ने जब ऑर्डर दिया कि आप जल्दी से जाके लीव्स लेके आओ, पत्तियाँ लेके आओ, तो दीदी ने क्या बोला कि आपको याद रखना है कि ये जो लीव्स आपको लाने हैं वो प्लांट में से तोड़ के नहीं लाने हैं। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेर लाइंग ऑन द ग्राउंड। लाइंग मीन्स गिरे हुए। अब देखो चिल्ड्रन दौड़ते हैं और लीव्स कलेक्ट करने, इकट्ठा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब देखो ये लीव्स कहाँ गिरे हुए हैं, तो ग्राउंड पे, जो ग्राउंड पे गिरे हुए होते हैं ना लीव्स, वो सब बच्चे कलेक्ट करने लगते हैं। थिंक एंड राइट, राइट द नेम्स ऑफ लीव्स विच यू हैव सीन। देखो आपको इधर ऐसे लीव्स के नेम राइट करने हैं जिसके लीव्स आपने देखे हैं। तो वी हैव टू राइट नीम लीव, पीपल लीव, बनियन लीव, बेसिल लीव, ये सब लीव के नेम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स शेप्स एंड मार्जिन्स। मार्जिन्स मीन्स जगह, जो लीव्स में जगह होती है उसको मार्जिन्स बोलते हैं। देखो ये सब आपने लीव्स देखे, ये पिक्चर में आप देख सकते हो अलग अलग टाइप्स के लीव्स हैं, तो वो सबके कलर सिमिलर कलर्स हैं, एक जैसे कलर्स हैं, शेप्स एक जैसे होते हैं, मार्जिन्स उसमें जगह जो होती है वो भी एक जैसी होती है। नहीं, दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वेर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स। अरे मुझे तो पता ही नहीं है कि अलग अलग टाइप्स के लीव्स होते हैं। लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्राइंगुलर। देखो कोई लीव्स राउंड शेप में होते हैं मीन्स गोल होते हैं, कोई लीव्स लॉन्ग होते हैं लंबे। आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि कोई लीव्स ट्राइंगुलर भी होते हैं। अमू सीड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर एज वेल। देखो अमू क्या बताती है कि ये लीव्स के बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। सम आर लाइट ग्रीन। देखो कोई कोई लीव्स लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। सम आर डार्क ग्रीन, कोई लीव्स डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। सम आर इवन येल्लो। देखो ये पिक्चर में दिखाई दिया येल्लो कलर का भी लीव्स है।
फील रेड कलर का भी होता है एंड पर्पल कलर का भी, ऊपर की साइड पर्पल कलर का लीव्स दिया है. देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज़ वाइट पेचिस ऑन इट. देखो, और ऐसे भी लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के जिसके अंदर पेचिस में छोटे छोटे धब्बे होते हैं वाइट कलर के. पेचिस में छोटे छोटे धब्बे डॉट्स होते हैं, उसको पेचिस बोलते हैं. उसमें वाइट पेचिस भी होते हैं. लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देखो, ये सब आप लीव्स में देख सकते हो कि सबके अंदर जो मार्जिन्स है, जगह है, लाइनें ड्रॉ करी हुई सब में जगह है, उसमें भी डिफरेंट है, मीन्स अलग अलग है. दूर दूर कर, कहीं कहीं पे नज़दीक नज़दीक है, कहीं पे दूर दूर है. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स. कोई लीव्स में ऐसा है कि स्ट्रेट एकदम लाइन में मार्जिन्स है, तो सम हैव अनइवन, एक जैसा नहीं है. किसी लीव्स में एक जैसा नहीं है. सम ऑफ दिस मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सो. देखो, कोई कोई लीव्स में तो सो जैसा पतला पतला मार्जिन्स है. सेड सबनम, ऐसा सबनम ने बोला. अमू एंड सबनम शाउटेड टुगेदर. दोनों साथ में जोर से चिल्लाए. अमू और सबनम, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी. हम लोग भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं, ऐसा दोनों चिल्लाए. दीदी सेड नॉट टूडे. दीदी ने क्या बोला? नहीं नहीं, आज नहीं. मे बी नेक्स्ट संडे. शायद हम नेक्स्ट संडे को ये खेलेंगे और आप बनोगे. इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ. अब घर पे जाने का टाइम हो गया है. ऑन द वे बैक, बैक मीन्स वापस. जब वो रास्ते में वापस आ रहे थे तब दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन. दीदी ने सबके लिए पोएम रिसाइट मीन्स गाया सबके लिए. नाउ व्हाट कैन बी सीन इन द गार्डन. देखो, इधर क्वेश्चन पूछा गया है कि आप गार्डन में क्या क्या देखते हो. तो यू हैव टू राइट द आंसर. ट्रीज, फ्लावर्स, क्रीपर्स, बेंचेस, स्मॉल प्लांट्स, ग्रास, स्पोर्ट्स टूल्स, इक्विपमेंट, वाटर टैप्स एक्सेट्रा. फिल इन द कलर्स. फिल कलर ऑफ योर चॉइस इन द लीव्स एंड फ्लावर्स. देखो, इधर पिक्चर दिया गया है, उसमें लीव्स बताए हैं, उसमें आपको कलर फिल करना है. अब देखो, जब वापिस आ रहे होते हैं तब क्या होता है, दीदी सबके लिए पोएम गाती है. वो पोएम इधर दी गई है. लेट्स रीड पोएम. लिस रेड, पर्पल, इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज. देखो, अब लीव्स के बारे में दिया गया है. तो पोएम में क्या बताया है, लीव्स रेड कलर के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, सम ग्रीन, वेट एंड लूज. इधर वेट और लूज का यूज़ किसके लिए किया गया है, तो देखो आगे ग्रीन लिखा है, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि कोई कोई लीव्स तो वेट, वेट मीन्स डार्क, इधर हमें इसका यूज़ डार्क में करना है. डार्क ग्रीन कलर के होते हैं. एंड लूज का यूज़ हमें कैसे करना है, तो लाइट में करना है. लूज मीन्स हल्का नहीं, इधर हमें ऐसे यूज़ करना है कि लाइट. कोई लीव्स डार्क ग्रीन होते हैं, तो कोई लीव्स लूज मीन्स लाइट ग्रीन होते हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. अलग अलग टाइप्स के लीव्स होते हैं. एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड. उसके शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, शेड भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर. देखो, कोई कोई लीव्स तो एलिफेंट्स की ईयर की तरह होते हैं. एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल. और देखो, कुछ तो कैसे होते हैं, डेविल जैसे होते हैं. ये लीव्स होते हैं वो डेविल जैसे होते हैं. सम आर टॉन. सम आर टॉन एंड सम आर फोल्डेड. कोई कोई लीव्स तो फटी फटी होती है. टॉन मीन्स फटी फटी. और कोई कोई लीव्स तो फोल्डेड मीन्स जुड़ी जुड़ी, फोल्ड करी हुई होती है. एंड सम इवन ईटन लाइक बीटल. देखो, कुछ ऐसी पत्तियाँ होती है जिसे हम खा सकते हैं. इधर एग्जाम्पल दिया है बीटल, वो लीव्स को हम खा सकते हैं. एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू. देखो, डॉन मीन्स सुबह सुबह. सुबह जब मॉर्निंग का सब जब मॉर्निंग होती है सुबह में बहुत जल्दी के टाइम पे, तो उसको डॉन्स बोलते हैं. अब देखो, इधर बताया गया होता है कि जब सुबह सुबह होता है तब
वो लीव्स का कलर कैसा होता है, डार्क होता है, बाद में फिर क्या हो जाता है, ह्यूमिन्स उसका कलर जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है उसका कलर लाइट होता जाता है। यू विल फाइंड अस फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक अ ड्यू। देखो क्या बताया है, आप देखोगे कि सुबह में जब फ्लावर्स पे या तो पत्तियों पे देखोगे तो क्या दिखाई देगा, बूंदे दिखाई देगी, ड्यू, ड्यू मीन्स बूंदे, पानी की ड्यू दिखाई देती है मीन्स बूंदे, जैसे कि उसकी आंसू हो, क्राई मीन्स वो रोया हुआ हो उसका आंसू हो। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, कोई कोई लीव्स तो बटरफ्लाइज की तरह दिखते हैं। सम लाइक्स बीज, कोई कोई लीव्स मधुमक्खी की तरह दिखते हैं। सम आर हैरी एंड सम प्लेन, कोई लीव्स ऐसे दिखते हैं जिसके उस जैसे उसके ऊपर बाल हो, हैरी मीन्स बाल हो, एंड सम आर प्लेन, और कोई कोई तो प्लेन एकदम प्लेन दिखता है। सम ड्राई अप टू लुक थ्रॉन्स, और कोई कोई लीव्स ऐसे वो दिखते हैं जैसे ड्राई अप में सूख गए हो, कैसे सूख गए हो, जैसे कांटा, कांटा आपने देखा ही होगा कांटा वो सूख जाता है, वैसे थ्रॉन, थ्रॉन मीन्स कांटे की तरह सूखा हुआ लीव्स दिखता है। एंड सम इवन रिसेम्बल क्रेंस, और कोई कोई लीव्स रिसेम्बल मीन लगता है, जैसे लगता है कैसे किसकी तरह लगता है, तो क्रेन, क्रेन आपने देखा होगा, क्रेन मीन्स सारस, सारस जो बर्ड्स है उसकी तरह लगता है, इधर रिसेम्बल का मीनिंग होता है जैसे लगता है। हूस हूस कटल एंड फ्लटर मीन्स जब पत्तियाँ एक दूसरे से ऐसे हिलती है, मीन्स बहुत ज़ोर से हवाएं आती हैं और पत्तियाँ एक दूसरे से टकराती है तो क्या होता है, फड़फड़ाहट, फ्लटर मीन्स फड़फड़ाहट, और उसकी आवाज़ आती है हूस हूस की तरह आवाज़ आती है। इन द ब्रीज मीन्स हवा में, ठंडी ठंडी लहर में क्या होता है, दे ऑल डू मटर, मटर मीन्स बड़बड़ाना। अब देखो ठंडी हवा, ब्रीज मीन्स ठंडी हवा में ये लीव्स क्या करते हैं, मटर मीन्स एक दूसरे से बड़बड़ाते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरे दिन वो एक दूसरे से स्माइल देते रहते हैं और खेलते रहते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात को वो सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, लीव्स ये जो लीव्स है पत्तियाँ हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, ह्यूज मतलब रंग, एक ये जो लीव्स है वो सबके शेप भी अलग अलग हैं और इसके ह्यूज मीन्स रंग भी अलग अलग हैं। नेक्स्ट हियर एक्टिविटी इज गिवन, कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, बेसिल मीन्स तुलसी, मिंट मीन्स फुदीना, एंड कोरिएंडर। आपको इधर एक्टिविटी में क्या करना है, तो देखो प्लांट्स जो है उसके लीव्स को इकट्ठा करना है, तो कौन कौन से प्लांट्स के लीव्स को इकट्ठा करना है, तो लेमन के, मैंगो के, नीम, तुलसी, फिर मिंट मीन्स फुदीना आपने देखा ही होगा, और कोरिएंडर मीन्स धनिया, जो सब्जी दाल में डालते हैं उसको इंग्लिश में कोरिएंडर बोलते हैं, वो सबके लीव्स इकट्ठे करने हैं। क्रॉस द लीव्स एंड स्मेल देम, डू दे ऑल स्मेल अलाइक, देखो अब ये सब लीव्स को इकट्ठा करके उसको क्रॉस करना है और फिर क्या करना है, उसकी स्मेल लेनी है, सबकी एक जैसी स्मेल होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, अब देखो अब जब आप उसको सूंघोगे, उसकी स्मेल करोगे, तो आपको पहचान में आएगा कि ये किसकी स्मेल है, ये कौन सा लीव्स है, ऐसे पता चलेगा। व्हाट आर द वेज टू आइडेंटी लीव्स, देखो अब ये लीव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कौन सा रास्ता है, कौन सा तरीका है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, देखो इधर एक ब्यूटीफुल पिक्चर दिया गया है, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, और ये जो पिक्चर है वो ड्राई में सूखे लीव्स का बनाया हुआ है। मेक पिक्चर्स फ्रॉम लीव्स, यू हैव टू मेक दिस पिक्चर एट योर होम, अब देखो इसमें क्या करना है, यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक, आपको ड्राई लीव्स लेने हैं, सूखे पत्ते, और सूखे पत्ते के यूज से आपको अलग अलग एनिमल्स का पिक्चर आपकी नोटबुक में बनाना है। हाउ टू टेक इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस मीन्स प्रभाव, उसका प्रभाव कैसे होता है,
हम कैसे उसका प्रभाव ले सकते हैं वो आपको देखना है। टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल। आपको क्या लेना है? पेपर लेना है या तो क्रेयॉन कलर लेना है या पेंसिल कलर। प्लेस द लीफ ऑन द टेबल। अब देखो क्या करना है, और ऑन द ग्राउंड। लीफ है, पत्ता है, उसको टेबल पे या तो ग्राउंड पे रखो। इट शुड बी प्लेस इन सच वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेंस इज ऑन द टॉप। वेंस मीन्स उसकी जो नसें होती है, लाइनिंग वाली नसें होती है ना, उसको वेंस बोलते हैं। वो आपको कैसे मीन्स पत्ती कैसे रखना है, तो ये जो है उसको इस तरीके से रखना है कि लीफ की जो साइड है उसकी वेंस वाली साइड है वो ऊपर की साइड रहे। मीन्स ये नसे वाली जो साइड है पत्ते की वो ऊपर की साइड रहे और नीचे आपको पेपर रखना है। ओके, प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। देखो अब क्या करना है, पेपर लीफ पे रखना है। मीन्स पत्ता नीचे रखो फिर उसके ऊपर पेपर रखो। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। और फिर बाद में धीरे धीरे क्रेयॉन कलर या तो पेंसिल कलर उसके ऊपर रब करना है, घिसना है। बी केयरफुल दैट द पेपर और लीफ डज नॉट मूव। आपको केयरफुल रहना है कि लीफ जो है वो या तो पेपर हिले नहीं। इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन दैट एक्टिविटी। देखो आपको इसमें क्या करना है, तो ये एक लीफ लेना है, वो लीफ की वेंस मीन्स उसके अंदर जो नसें होती है वो वाला पार्ट आपको ऊपर की साइड रखना है, समझ में आया। और फिर क्या करना है, वो लीफ को नीचे ग्राउंड या टेबल पे रख दो और उसके ऊपर पेपर रखो, लीफ के ऊपर पेपर रखो। फिर पेपर पे धीरे धीरे से क्रेयॉन कलर को घिसो, तो आप देख सकोगे कि उसके ऊपर उसकी इम्प्रेशन छाप पड़ जाएगी। नेक्स्ट, सिमिलरली टेक इम्प्रेशंस ऑफ ट्रंक ऑफ ए ट्री। उसी तरीके से ट्री का ट्रंक होता है मिडल पोर्शन, उसका भी हम प्रभाव ले सकते हैं, छाप ले सकते हैं। तो कैसे, प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक। आपको ये जो है पेपर उसको ट्रंक पे रखना है एंड रब अ क्रेयॉन। फिर बाद में रब मीन्स घिसना है, क्या घिसना है, क्रेयॉन कलर या तो पेंसिल कलर उस पर घिसना है। देखो पिक्चर में दिखाई दिया है कि एक लड़की है जो ट्रंक है मिडल ट्री का, मिडल का पोर्शन ट्रंक, उसके ऊपर क्या रखती है, पेपर रखती है। फिर उसके ऊपर पेपर के ऊपर क्रेयॉन या तो पेंसिल कलर से ऐसे रब करती है, मीन्स घिसती है। तो क्या होता है, लुक यू हैव मेड इम्प्रेशन ऑफ ट्री बार्क। उसमें आप देख सकते हो कि घिसने से ट्री की जो बार्क है, छाल है, उसकी इम्प्रेशन, उसकी छाप पड़ जाती है। लुक एट द इम्प्रेशंस मेड बाय द अदर्स। अब दूसरी तरीके से भी आप ऐसे इम्प्रेशन प्रभाव खड़ा कर सकते हो। आर द इम्प्रेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर। देखो अलग अलग प्लांट्स होते हैं उसकी सिमिलर होती है इम्प्रेशन। विच लीफ गिव अ गुड इम्प्रेशन। अब देखो आपको बताना है कि कौन सा पत्तिया अच्छे से अच्छी इम्प्रेशन खड़ा करता है। विच ट्रीज इम्प्रेशन वॉज डिफिकल्ट टू टेक और वाई। कौन सा ट्री है जिसकी इम्प्रेशन डिफिकल्ट है, मीन्स उसकी इम्प्रेशन ये प्रभाव खड़ा करना बहुत मुश्किल है, और क्यों है। What would happen if the bark of all trees give similar impression? देखो अब सब trees की जो bark है, छाल है, उसकी एक जैसे impression खड़ी हुई, तो क्या मुश्किली हो सकती है, क्या हो सकता है। Means अगर हमने कोई tree है उसकी जो bark है, छाल होते हैं ना वो, उसके ऊपर हमने paper रखे ऐसे एक ही सा, और उसकी इम्प्रेशन जो हुई वो सब ये सब ट्रंक की एक जैसी होती है, तो क्या होता है। विच ट्रीज बार्क इम्प्रेशन वी कैन नॉट टेक वाई। कौन से ट्री की बार्क की इम्प्रेशन हम नहीं ले सकते हैं और क्यों नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट, लुक एंड राइट लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। सी हियर पिक्चर्स आर गिवन। आप देख सकते हो पिक्चर्स में, इसमें पिक्चर्स में आपके देख के बताना है कि ये सब पिक्चर्स में आपको कौन कौन से पिक्चर्स में लीव्स की पिक्चर दिखाई देती है। तो हम देख सकते हैं ये पिक्चर में हम देख सकते हैं
देखो ये पिक्चर दिया गया है, उसमें आपको देखना है कि किस में लीव्स की पैटर्न है। तो हम देख सकते हैं कि ये लड़की जो है उसने जो लेगिंग्स पहनी है उसमें, फिर बेड शीट में, पीलो कवर्स में, कर्टेंस में, मेट में, सब में लीव्स की पैटर्न दी गई है। फोटो फ्रेम है, बोलस्टर है, मेन सिलेंडर, वो जो पीलो कवर होता है ना उसको बोलस्टर बोलते हैं, वो सब में लीव्स की पैटर्न दी गई है। आपको क्या करना है, ये पिक्चर देख के जिस जिस पिक्चर के अंदर लीव्स की पैटर्न दी गई है उसका नेम नीचे राइट करना है। तो वी हैव टू राइट फोटो फ्रेम, कर्टेन, बोलस्टर, बोलस्टर मीन्स पीलो कवर, तकिए का कवर, गर्ल रीडिंग अ बुक, वो जो बुक रीड कर रही है उसमें भी है देखो लीव्स का पैटर्न, बेड सीट, कारपेट। नेक्स्ट थिंक एंड राइट, लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। देखो आपको ऑब्जेक्ट्स देखना है जिसमें लीव्स की पैटर्न दी गई हो फ्लावर्स में आपके घर में, तो आप लिख सकते हो कारपेट, बोलस्टर, विंडोज कर्टेन एंड बेड सीट, आपके घर में ये सब चीज़ें होती है उसमें लीव्स की पैटर्न दी गई होती है। सेकंड, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, राइट देयर नेम्स। आपने बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज भी देखे होंगे, उसके नेम राइट करने हैं। तो वी हैव टू राइट अशोका, केसा, अकेसा मीन्स बबुल ट्री, बनियन, पीपल, मैंगो, बेरी ट्री, केशिया फ्लिस्टर, नीम, ऑल दीज प्लांट्स वी हैव टू सी। थर्ड, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ, आपने ऐसे कोई प्लांट्स के बारे में सुना है बट नेवर सीन, जिसको आपने देखा नहीं है उसके नेम राइट करने हैं, राइट देयर नेम्स। आपने सुना है सही उसके बारे में, कोई प्लांट्स ऐसा है जिसके बारे में आपने सुना है किंतु आपने देखा नहीं, उसके नेम राइट करने हैं। तो वी हैव टू राइट एप्पल ट्री, धतूरा, बीटरूट, सनफ्लावर, ट्यूलिस, बोनसाई, कैक्टस, चेरी ट्री, ऐसे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड एंड टेल, आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वेयर प्लांट्स विच दे हैव सीन। देखो आपको आपसे बड़े ओल्डर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पूछना है कि उन्होंने जो ट्रीज देखे हैं, समझ में आता है, वेन दे वेयर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दिस डेज। देखो जब वो आपको आपसे बुजुर्ग हैं ना बड़े हैं उनको ऐसा पूछना है कि दे वेयर चिल्ड्रन, वेन दे वेयर चिल्ड्रन, जब वो छोटे थे बुजुर्ग, जब वो छोटे थे तब उन्होंने ऐसे प्लांट्स देखे थे जो आज नहीं है, आर नॉट सीन दिस, आज नहीं है, ऐसे प्लांट्स के बारे में उनको पूछना है। ऑल्सो आस्क देम देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दिस डेज, और ऐसा भी पूछना है कि आप वो बुजुर्ग को कि ऐसा प्लांट है जो आज वो देख सकते हैं बट विच वेयर नॉट सीन अर्लियर, अर्लियर मीन्स पहले नहीं देखा है। मीन्स देखो ये दोनों में क्या आपको पता चलता है कि फर्स्ट में ऐसा पूछना है आपके आपसे जो ओल्डर हैं बुजुर्ग है कि उन वो जब छोटे थे चिल्ड्रन थे बच्चे थे तब उन्होंने जो प्लांट देखा है वो, किंतु अभी वो प्लांट मीन्स देख ही नहीं पाते, मीन्स वो प्लांट है ही नहीं, पहले था अभी नहीं था, वो ऐसे प्लांट के बारे में नेम राइट करने। और बाद में आपको उनको ऐसा पूछना है कि अभी जो प्लांट वो देखते हैं वो पहले थे कि नहीं थे, वो उसके बारे में पूछना है। अब देखो इधर एक्टिविटी दी गई है, फ्रेंडशिप विथ अ ट्री, आपको ट्री से फ्रेंडशिप करनी है। चूज अ ट्री नियर योर स्कूल, आपके स्कूल के नज़दीक जो ट्री है उसको आप में से मीन्स आपको वो सब ट्री में से कोई एक ट्री को चूज करना है एंड मेक अ फ्रेंडशिप विथ इट। देखो उसमें क्या करना है, आपके घर या स्कूल के नज़दीक जो भी ट्रीज है उसमें से कोई एक ट्रीज के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी है, और लास्टिंग फ्रेंडशिप, लास्ट तक आपको फ्रेंडशिप करनी है। विच ट्री इज, इधर क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी इमेजिनेशन से देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री इज इट, आर सम एल्डर्स इफ यू डोंट नो, आपको पता नहीं चलता है तो आप अपने एल्डर्स से पूछ सकते हो कि वो कौन सा ट्री है।
विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम? अब देखो, आपने ये ट्री से फ्रेंडशिप कही है तो आप उसको स्पेशल नेम दोगे कोई? वॉट विल यू नेम इट? आपने उसका क्या नेम रखा? डज द ट्री फ्रेंड बियर फ्लावर्स और फ्रूट? देखो, आपने जो ट्री से फ्रेंडशिप की है उसके ऊपर कोई फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं? विच वंस, कौन सा आया? फ्लावर्स आया कि फ्रूट्स आया, और क्या आया? हाउ द लीव्स ऑफ द ट्री लुक लाइक? अब ये ट्री है, उसकी पत्तियाँ किसकी तरह दिखती हैं? विच एनिमल्स लिव इन अ ट्री फ्रेंड? अब देखो, ये आपने ट्री से फ्रेंडशिप की तो वो ट्री के आसपास कौन सा एनिमल रहता है उसका नेम राइट करना है. राइट देयर नेम्स. नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन, फील द कलर्स, फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड. आपको आपने जो ट्री से फ्रेंडशिप की है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करो. हियर यू हैव टू मेक पिक्चर, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर ट्री फ्रेंड इन द बॉक्स गिवन बिलो एंड कलर इट. आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स है बुक्स के अंदर, उसमें कोई भी आपने जो भी ट्री से फ्रेंडशिप किए वो ट्री का पिक्चर बनाना है और उसमें कलर करना है. ओके.